दुनिया को पानी माफिया का घिनौना चेहरा क्यों दिखाया? अरबों रुपए के पानी की चोरी को बेनकाब क्यों किया? वाटर बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर टैक्स साइट इखलाक बेग के गेट माफिया ने शिकंजा सख्त कर दिया। इखलाक बेग को अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करने की सजा दे दी गई। पहले उन्हें मुअत्तल किया गया, फिर एक तवील इंक्वायरी खोल दी गई। अखबारात में उनकी मुअत्तली के इश्तिहार छाप दिए गए। नाज़रीन, इन तमाम नामसाइद हालात और अच्छी भली नौकरी को दांव पर लगाने के बावजूद इखलाक बेग ने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया और अभी तक डटे हुए हैं। तशक्कु डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। तवील कार्रवाइयों के बाद इखलाक बेग दोबारा ज्वाइनिंग के लिए दफ्तर पहुंचे तो इस वक्त भी कोई मसलहत और कोई मजबूरी उनके आड़े न आई। उन्होंने खुलकर बात की, पानी चोरों और उनके सरपरस्तों के नाम लिए और बावर करा दिया कि उनका मिशन कराची के पानी को चोरी होने से बचाना है। ये मेरी नौकरी खत्म कर रहे हैं, मैंने आज ज्वाइनिंग दी है, ये कल परसों मेरी नौकरी खत्म कर देंगे, कर दें। अगर मैं नौकरी पर कायम रह वापस आ गया रह गया मैं फिर पकड़ूंगा, मैं कराची के पानी को छोड़ूंगा, ये करा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस वाक़े का मुख्तसर सा पसे मंजर बताते हैं। तशक्कुर न्यूज ने ही कराची में पानी चोरी के बड़े नेटवर्क के हवाले से स्टोरी ब्रेक की थी। हुआ कुछ यूं था कि डिप्टी डायरेक्टर टैक्स साइट इखलाक बेग पानी के टैक्स की रिकवरी के लिए पाक कॉलोनी के दौरे पर थे। वहां पर वो पानी माफिया की बड़ी बड़ी लाइने और दर्जनों गैर कानूनी हाइड्रेंट्स देख कर हक्का बक्का रह गए। यही नहीं, इलाके में दर्जनों पानी की गैर कानूनी लाइने चल रही थी। पाक कॉलोनी के अवाम के लिए मुख्तस पानी धड़ल्ले से चोरी करके फैक्ट्रियों, जेर तामीर इमारतों और बासर लोगों को फराहम किया जा रहा था। देखिए, ये पाक कॉलोनी के अंदर दूसरा हाइड्रेंट है, ये कराची का पानी कराची वालों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? मैं इसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ या लॉ, मुझे बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, मुझे पता है यहाँ लॉ ऑर्डर का मसला है। ये भी एक हाइड्रेंट चल रहा है, मैं हाइड्रेंट काटने नहीं आया था, मैं इस बिल्डिंग पर ड्यूज थे, मैं उसको काटने आया था, मुझे अंदर हाइड्रेंट मिला है, बाकी साहब आप लोग कर लें, ये बोलता है एमडी तक सब कुछ जा रहा है। इखलाक बेग ने अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इस माफिया को ललकारा, पुलिस को तलब किया, लेकिन पानी माफिया ने कायफ होने या बैकफुट पर जाने के बजाय उल्टा इखलाक बेग को मैसूर कर दिया। उनका घेराव कर लिया गया, उन्हें धमकियां दी गईं। पाक कॉलोनी में पानी माफिया का चेहरा दुनिया के सामने लाना उनका जुर्म बना दिया गया। माफिया ने बड़े जिम्मेदारों के साथ मिलकर उल्टा उनके खिलाफ ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई और उनका दफ्तर आना जाना बंद हो गया। दोस्तों, लेकिन इखलाक बेग डट गए, न भारी रकम उनको खरीद सकी, न माफिया की धौंस धमकियां उन्हें डरा सकी। इखलाक बेग कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें जाने कब नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि माफिया बहुत ताकतवर है और सब मिले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जब वो ज्वाइनिंग के लिए दफ्तर पहुंचे तो उनका अंदाज और लहजा वही था, इसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था। वो 11:30 बजे मुतल्लिका अफसर का इंतजार करते रहे, लेकिन इस वक्त तक वो नहीं आया था। इनसे बड़ा अफसर कोई है नहीं, वाटर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन में सब बड़ा अफसर नहीं है। 11:15 बजे दोस्तों वाटर बोर्ड के दफ्तर में ही उन्होंने वाटर बोर्ड के बड़े बड़े अफसरों की करप्शन का पोल खोल दिया, लूटमार की ताजा तरीन कार्रवाइयाँ क्या क्या हुई सब कुछ बता दिया। तो डिप्टी डायरेक्टर साइड टाउन सदुद्दीन बुरोई साहब, डायरेक्टर केमाड़ी कुरबान मक्सी साहब, इंस्पेक्टर आसिफ काजी, सब इंस्पेक्टर सफी उजमा खान, एक रिटायर्ड मुलाजिम वसीम, ये कल्परेट से 5,87,000 रुपये कल इतवार के दिन लेकर आए हैं। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि ये लेकर आए हैं और उन्होंने उससे महीना तय कर लिया है, आप जाने आपका काम जाने। डिप्टी डायरेक्टर टैक्स साइट इखलाक बेग ने यूनियन की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए, एंटी थेफ्ट सेल को भी करप्ट करार दिया, वाटर बोर्ड के अफसरान को भी निशाने पर लिया, उनके एसी कमरों में बैठकर लूटमार करने के किस्से भी बयान किए। ये इंजीनियरिंग एंड ऑफिसर एसोसिएशन ये क्या कर रही है, ये हमसे 50,000 रुपए महीना कम से काटती है, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये सीबीए इन्वॉल्व है, ये वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान इन्वॉल्व है, ये 20-25 कल्प्रेट इन्वॉल्व है, खत्म करें इस यूनियन को, खत्म करें इंजीनियर एंड ऑफिसर एसोसिएशन को, किस बात के पैसे ले रहे हैं तनख्वाहों में से, करप्ट अफसरान है, 12 बजे ऑफिस आते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं, चिल कमरों में बैठते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है।
नाजीन इखलाक बेग ने सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी दफातर में मिनरल वाटर के इस्तेमाल पर पाबंदी के फैसले को सराहा और इसे खुद की और अवाम की जीत करार दिया। चले कुछ तो हुआ, आवाज सुनी हमारी, सिंध गवर्नमेंट ने अब पाबंदी लगा दी है, कोई भी मिनरल वाटर इस्तेमाल नहीं करेगा। वाटर कॉरपोरेशन के इजलास होते थे, सामने किले की बोतल, एक्वाफिना की बोतल पड़ी होती थी। अब सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, अब कोई किले का एक्वाफिना का पानी इस्तेमाल नहीं करेगा और जग और गिलास से पानी इस्तेमाल करेगा। जीत हो गई है, आप लोगों की जीत हो गई। नाजरीन, ऐसे दौर में जब हर इदारे में करप्शन का दौर दौरा है, जिसकी लाठी उसकी बहस के मिसदाक बेशतर अफसरान जिनका काम अवाम की फलाहो बहबूद करना है वो अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। कराची के अवाम पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं, हर तरफ लाचारगी और मायूसी का आलम है। ऐसे में डिप्टी डायरेक्टर टैक्स साइट जोन इखलाक बेग जैसे फर्ज शनास और अवामी दर्ज रखने वाले अफसरान कराची के अवाम के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह है। इखलाक बेग वो अफसर हैं जिन्होंने पानी माफिया को बेनकाब किया और इसके एवज उन्हें लाखों रुपए की खतीर रकम की रिश्वत की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने बगैर किसी तवक्कुफ के ये पेशकश ठुकरा दी। कराची को ऐसे ही फर्ज शनास और मुहिब्बे वतन अफसरान की जरूरत है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।